हे गाइस, क्या फिजिकल में इतने सारे फॉर्मूलास से आप घबराते हैं? लगता है कि कैसे एग्जाम टाइम पर इतने सारे फॉर्मूलास एक ही टॉपिक से रिवाइज किए जाएंगे, तो उसके लिए आज मैं आपको एक ये टिप देने वाली हूँ। देखिए, इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, साथ ही साथ उसका फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करते जाइए। अब ये फॉर्मूला शीट क्या है, तो देखिए, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट्स से सॉल्यूशंस टॉपिक का। तो मान लीजिए आपने सॉल्यूशंस टॉपिक पढ़ा, तो आप क्या करिए कि हेडिंग लिखिए सॉल्यूशंस, योर मेन टॉपिक। उसके बाद आ जाइए, आपने सॉल्यूशंस में एक्सप्रेशन स्टार्ट होते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, सेकेंड हेडिंग लिखिए आपका यू नो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कौन कौन आता है, वेट बाय वेट परसेंटेज, देन यू हैव वेट बाय वॉल्यूम, मोलारिटी मोलारिटी। इसी तरीके से आप हेडिंग सब हेडिंग उनका एक्सप्रेशन, एंड तक जाइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तक, हो जाएगा 2 to 3 sheets में, yes, 2 to 3 pages में आपका एक टॉपिक का सारा फॉर्मूलाज आपके पास ऐसे कॉम्पैक्ट प्रिसाइज फॉर्म में होगा। और फिर जब आपके पास इस तरह से रेडी होगा, तो आपको इतना क्लैरिटी रहेगा, इतना इजीली आप उसको रिवाइज कर पाएंगे ड्यूरिंग योर एग्जाम। आई एम टेलिंग यू, ड्यूरिंग योर एग्जाम स्पेशली ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन इसके लिए आपने काम पहले से ही करना है, जब आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ प्रिपेयर करते रहिए उसका फॉर्मूला शीट। हेयर इज दिस सैंपल, जो कि एक स्टूडेंट ने ही प्रिपेयर किया है आपकी तरह, सो आइडिया लिख सकते हैं आप। थैंक यू।